केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रेलवे पुलिस प्रशासन व पुलिस प्रशासन की नीतियों को सुधारने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन रेलवे पुलिस प्रशासन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और सरकार के सुधारने की नीतियों पर पलीता लगा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के ही कुछ सीनियर अधिकारी उन सरकार के वादों पर पलीता लगवा रहे हैं। जी हाँ, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे फाटक क्रॉसिंग से सामने आया है, जहां पर मालगाड़ी ट्रेन फाटक के सामने रुकती है और रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद हो जाता है, जिसमें वहां से गुजर रहे ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से गुजर रहे हैं, जिसमें वहां खड़े एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे से गुजर रहे ग्रामीणों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें इस वीडियो ने मुरादाबाद रेलवे प्रशासन के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर सरकार की इतनी शक्ति के बाद रेलवे प्रशासन मुस्तैद क्यों नहीं हो रहा है? अगर प्रशासन मुस्तैद हो गया है तो यह लोग क्यों ट्रेन के नीचे से होकर मौत का सफर तय क्यों कर रहे हैं? जब हमने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान से बात की तो उन्होंने बताया कि दरअसल यह एक पहला ऐसा मामला नहीं है। ट्रेन आती है और जाती है और यही मौत का सफर डेली चलता रहता है और मुरादाबाद का रेलवे प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसमें इस फाटक पर कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते राष्ट्रीय महासचिव ने मुरादाबाद के रेलवे प्रशासन से अपील कर गुहार लगाई है। दलपतपुर के रेलवे स्टेशन के फाटक पर सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरती है और कई बार बड़ा हादसा भी हो चुका है, जिसमें यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारियों को इस फाटक पर रखा जाए जिससे ट्रेन रुके और यात्री उसके नीचे से होकर ना गुजरे, जिससे कोई भी अनहोनी नहीं हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुरादाबाद का रेलवे प्रशासन दलपतपुर के रेलवे फाटक पर कब तक पुलिस को मुस्तैद कर देता है, या फिर यूं ही ट्रेन के नीचे से पैदल यात्री होकर गुजरते रहेंगे और मौत का सफर तय करते रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु से। ये जो ट्रेन के फाटक के नीचे को निकल रहे हैं सब लोग, ट्रेन के नीचे को होकर के निकल रहे हैं कुछ लोग, क्या है पूरा मामला, किसकी लापरवाही है? ये मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। ये जो फाटक से मतलब पब्लिक ट्रेन के नीचे को गुजरती है, इसमें बड़ी लापरवाही है रेल प्रशासन की। रेल प्रशासन को चाहिए कि यहाँ कोई भी एक ऐसा मतलब इंतजाम करे ताकि कोई भी पब्लिक वाला रेल के नीचे नहीं निकले। ये आए दिन जो हादसे होते रहते हैं, ये हादसे टले। तो क्या चाहते हैं आप यहाँ के फाटक के लिए? यहाँ फाटक पर कोई ऐसा इंतजाम करा जाए ताकि मतलब जो रेल के नीचे से मतलब जो पब्लिक नहीं निकले। दूसरी चीज़ ये है कि ये फाटक पे कई कई घंटे तक गाड़ी खड़ी हो जाती है, कई गांवों का रास्ता है, क्या करेगा मजबूरी में आदमी, तो नीचे को निकलेगा। उसमें चाहिए क्या, थोड़ा ट्रेन फाटक से थोड़ा बचा के पीछे ऊपर कर रखें। क्या मानते हैं यहाँ के प्रशासन को मुरादाबाद की? प्रशासन इस पर गौर नहीं दे रहा, लापरवाही कर रही है। प्रशासन इसको देखे, लापरवाही नहीं दे। क्या कोई बड़ा हादसा भी हुआ इससे? यहाँ हादसे आए दिन होते रहते हैं, बड़ा हादसा भी होते रहते हैं, हादसे भी कहीं की जान चली गई है। क्या अपील करेंगे? अपील यही है मतलब जो प्रशासन से कि इसका मतलब इंतजाम करें, कोई पुख्ता इंतजाम होना चाहिए ताकि लोगों की जान की सुरक्षा बनी रहे। क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फिकार अली है। जुल्फिकार भाई, ये जो ट्रेन के नीचे को युवक निकल रहे हैं, ग्रामीण निकल रहे हैं, कहाँ का पूरा मामला है और कौन सा रेलवे स्टेशन का फाटक लगता है? दलपतपुर का रेलवे स्टेशन है, चमरुवे का, कई गांव लगते हैं इस जगह। और पब्लिक से मना भी करते हैं ट्रेन के नीचे मत निकलो, किसी भी टाइम कभी भी चल सकती है ट्रेन जी। तो अब ये तो प्रशासन की और ये तो इनकी वो है, यहाँ कोई होमगार्ड किसी को बिठा में मना करें, मगर हम कब लोग मना करें? आज का जो मामला है, क्या पूरा मामला है? ये आज का मामला ये है, कम से कम 20 मिनट ट्रेन रुकी थी और पब्लिक इसके नीचे को निकल के जा रही थी, हमने मथेरा मना करा, मगर पब्लिक ना ही बात। अगर कोई हादसा होता तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है। क्या चाहते हैं आप? यहाँ कोई होम गार्ड रखें, कोई भी रखें, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। इससे पहले भी कोई हादसा हो चुका है यहाँ? कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। क्या इसी तरह से हादसे हुए? हाँ, ऐसे हुए हैं। प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? कोई होमगार्ड की यहाँ कोई होमगार्ड बिठाया जाए, पब्लिक को रोका जाए, नीचे ट्रेन के ना निकले, यही मांगे हमारी। हो गया JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।